भारतीय जनता पार्टी की वही अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी है कि बांटो और राज करो। बांट दिया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, सिख ईसाई में बांट दिया, धर्म की राजनीति को उन्होंने अपना। बीजेपी यही कर रही है कि तुम 5 किलो लो, वहीं पर जहां हो वहीं रहो, आवाज़ मत उठाओ, कुछ सोचो मत हमारे खिलाफ कि हम क्या कर रहे हैं। देश के अंदर बैंकों का कितना पैसा लेकर के भाग गए गुजराती। आज मेरी मौजूदगी है घोसी लोकसभा में और घोसी लोकसभा के मऊ में, और घोसी लोकसभा का जो है चुनावी मिजाज क्या है 2024 को लेके, और यहाँ के माइनॉरिटी वोटों का रुझान किधर है और किस तरफ झुकाव उन लोगों का है। मैं माइनॉरिटी के एक समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, और आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी के तो समाजवादी पार्टी के लिए ही बात करेंगे, लेकिन माइनॉरिटी पूरे माइनॉरिटी पे हमारी बात होगी कि उनका झुकाव क्या है, घोसी का माहौल क्या है, और घोसी में ये लोग जो हैं किसको पसंद करते हैं, अगर जो पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, तमाम मुद्दों पर मेरे बात होगी। और आप जो है वीडियो में बने रहिए और इनसे मैं बात करूँगा, और आप उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी। सबसे पहले घोसी का क्या माहौल है? देखिए, घोसी लोकसभा क्षेत्र जो है इसका माहौल समय समय पर बदलता रहता है। आज का जो वर्तमान में जो पोजीशन है जी, इस पोजीशन में समाजवादी पार्टी नंबर एक पर जा रही है, फैक्ट ये। सर अपना सबसे पहले परिचय दे दीजिए। अब मुझे अब्दुल सलाम कहते हैं जी, और जहाँ पर ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी, ये वार्ड नंबर 24 नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 24 है, और इसे पठानटोला के नाम से जाना जाता है, और ये बड़ा फेमस ये मोहल्ला है पठानटोला, जहाँ के विश्व लेवल के मौलाना हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी, जो पहली बार विधानसभा का चुनाव जब हुआ था देश के अंदर, तो उसमें यहाँ के वो विधायक चुने गए थे मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी, ये उन्हीं का मोहल्ला है, और विश्व लेवल के वो थे, वो एक्सपायर कर गए, आज 10-15 साल हो गया है, तो उस नाम से भी ये लोग जानते हैं, तो वहीं का मैं रहने वाला हूँ। मैं यहाँ चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पहले समाजवादी कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद पार्टी का हूँ, तो समाजवादी पार्टी बाद में थी, लेकिन मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ समाज की सेवा करते करते सन 88 में जी, जो नगर पालिका का चुनाव पहली बार हुआ था सन 88 में, दिसंबर 88 में, तो उस वक्त मैं पहला चुनाव लड़ा था और उस वक्त जीता था, तब से मैं ये छठी बार मैं जीता हूँ जी, और जिला योजना समिति का सदस्य भी हूँ। जाहिर बात है कि जनता ने मुझे जो प्यार दिया है जी, मेरी कुछ कारकर्दगी थी इसलिए जनता ने प्यार दिया है। मैं चूँकि सन 78 में मैंने MA किया था जी, समाजवादी पार्टी का तो बाद में, लेकिन मैंने चूँकि एजुकेशन में मेरी उस ज़माने में जब बहुत कम लोग हुआ करते थे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तब जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी ही एक यूनिवर्सिटी थी इधर पूर्वांचल में, तो मैं वहाँ से मैंने किया था MA सोशियोलॉजी से, तो इस नाते जनता ने मुझे प्यार दे करके जिताया, तो मैं आज भी नगर पालिका का सभासद हूँ, और कभी पार्टी ने टिकट दिया तो लड़ा, कभी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भी लड़ा, आज़ाद लड़ा तो भी जीता, एकाध दो बार पार्टी ने टिकट दिया, बाकी टिकट नहीं दिया, निर्दल ही लड़ा हूँ ज़्यादातर। तो मेरे सामने पहले समाज है जी, मानवता है जी, उसके बाद पार्टी है। तो हम लोग ये नहीं कि अंधभक्त हैं कि पार्टी जो कहेगी हम मान लेते हैं, हम पार्टी में भी कभी कभी सवाल उठा देते हैं, हालांकि लोग बुरा मानते हैं, लेकिन पार्टी में भी मैं सवाल उठा देता हूँ कि पार्टी की पॉलिसी यहाँ गलत है, पार्टी को ये करना चाहिए था जिससे माइनॉरिटी के लोगों को कम से कम ये संतोष। तो देखिए, जब सत्ता में कोई पार्टी नहीं रहती है तो वो बहुत उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन एक कहावत है कि हमारे यहाँ कि अगर किसी के ऊपर कोई बहुत ज्यादती हो, जुल्म हो, तो इंसानियत का तकाजा यह है कि आप उसको रोकिए और ताकत से रोकिए कि ज्यादती हो रही है, और अगर आपके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, तो आप समझा करके रोकिए। अगर वो भी आपके पास नहीं, डर है कि नहीं अभी कोई आदमी मार देगा, अगला गुस्सा हो जाएगा,
तो कम से कम अपने दिल और दिमाग में सोचिए कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। तो ये मानवता की सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ कहीं कोई जुल्म और ज्यादति हो रही है तो वहाँ आप बोलिए। आज की स्थिति यह है कि कहीं कोई मारा जा रहा है, देख रहा है आदमी, लेकिन बयान नहीं दे सकता, गवाही नहीं दे सकता है, रोक नहीं सकता है। कहीं लिंचिंग हो रही है तो मिल करके लिंचिंग हो रही है। क्या वजह हो सकती है? बस वजह उसकी यही है कि भारतीय जनता पार्टी की वही अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी है कि बांटो और राज करो। बांट दिया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, सिख ईसाई में बांट दिया। धर्म की राजनीति को उन्होंने अपनाया और धर्म की राजनीति ऐसी होती है जो आदमी को अंधा कर देती है। और जब अंधा हो जाता है आदमी तो नफरत करने लगता है दूसरे से जी। तो उसकी कोई भी अदा अच्छी नहीं लगती है जी। यही कारण है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सक्सेस हो रही है, मतलब सत्ता में पा रही है। जिस दिन ये ख़त्म कर देगी, धर्म का जो पॉइजन है ये देना बंद कर देगी, उस दिन इसको अवकात में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तब नहीं जीत पाएगी। बिल्कुल। तो ये माइनॉरिटी का जो मिजाज है ये बीजेपी के कहा जाए, जैसे आप अभी कुछ बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हैं भी। मैं मान रहा हूँ कि आप लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या कारण हो सकता है? आखिर बीजेपी से आप लोगों को क्या दिक्कत है? बीजेपी कह रहे हैं कि हम सबके लिए काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और हर चीज़ को हम ले कर चलते हैं, लेकिन आखिर इसमें इसका माइनॉरिटी विरोध कर रहा है, तो आखिर वजह क्या हो सकती है बीजेपी का विरोध करने? कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। ये तो कहती है बीजेपी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप किसका विकास करते हैं? आप चले जाइए ना हरिजन बस्तियों में, आप देख लीजिए क्या विकास हुआ है। क्या जो है हरिजन हैं या जो कमज़ोर हैं, पिछड़े वर्ग के हैं या सुनकर हैं या जो भी पिछड़ा वर्ग का है, उनकी स्थिति क्या है? क्या वो मजदूरी करने आते हैं यहाँ, दिन भर कम मेहनत करते हैं तो 400 रुपया पाते हैं? उनके बस्ती उनकी देख लीजिए, बीजेपी ने क्या कर दिया है सिवाय बड़े लोगों के, बड़े धंधे वालों के। अभी मैं देख रहा था बीजेपी, सर एक मिनट रोकूंगा, बीजेपी तो घर घर फ्री राशन पहुंचा रही है, जो गरीब है अगर जो उसके पास कोई नहीं व्यवस्था है तो घरे में घर घर मुफ्त। और अभी ऐलान किया है लोकसभा चुनाव से पहले कि 4-5 साल जो है फ्री जो है राशन हम देंगे। ये बड़े शर्म की बात है जी, ये बड़े शर्म की बात है। और बीजेपी इसको अपना बहुत अच्छा समझ रही है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी आदमी को भिखमंगा बना दें, किसी आदमी को भिखमंगा बना दें कि हमको भीख दे दीजिए, 5 किलो राशन, हमारा घर कम से कम चले। तो वो भिखमंगा इस देश को बना दिया है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है कि भिखमंगा बना दिया हो। आप उसको रोजी क्यों नहीं देते हैं? उसको नौकरी क्यों नहीं देते हैं? उसको कारोबार क्यों नहीं देते हैं? उनको सुविधाएं क्यों नहीं देते हैं? उनको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देते हैं? अच्छा जो है स्वास्थ्य क्यों नहीं देते हैं? अब इसको दीजिए ना, उसको 5 किलो राशन देने से तो जहाँ है वहीं रह जाएगा ना, आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। तो बीजेपी यही कर रही है कि तुम 5 किलो लो, वहीं पर जहाँ हो वहीं रहो, आवाज़ मत उठाओ, कुछ सोचो मत हमारे खिलाफ कि हम क्या कर रहे हैं। देश के अंदर बैंकों का कितना पैसा लेकर के भाग गए गुजराती, किसी का पैसा आपने वापस लाया नहीं। लेकिन अगर एक गरीब किसान है, गरीब बुनकर है, गरीब मजदूर है, उसने 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 भी लोन लिया है तो उसका घर कुर्क हो जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन हजारों हजार करोड़ रुपया जो है, अरबों रुपया लेके भाग गए हैं। हम कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है आपके अडानी को और ज़्यादा पूंजीपति बनाने की, उसकी संपत्ति को बढ़ाने की? क्यों नहीं दूसरे लोगों को? आज देश जो है इतनी आबादी बढ़ गई है यहाँ पर, तो फैक्ट्रियाँ अगर लगेंगी, गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन लोगों ने ये चलाया था कि ये इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है तो इनको ऐसा काम इनके हाथ में दिया जाए कि अपने पैर पर खड़े हो सकें। आपने सबका काम छीन लिया, आपने सब पूंजीपतियों को दे दिया। अब बताइए कि ये अडानी ने उसका हवाई जहाज़ का खरीदा,
हवाई जहाज़ का ठीका ले लिया, हवाई जहाज़ का क्या हुआ, उसके पास कौन सा तजर्बा है, कौन सा एक्सपीरियंस है, 5 अरब का जो है वो हवाई जहाज़ कितने में इन्होंने 15 अरब का ख़रीदा है, 1500 करोड़ का ख़रीदा, क्यों ख़रीदा है, इसलिए कि हमको जो पैसा चाहिए, आज वही पैसा खुला है जो इलेक्टोरल बॉन्ड किस शक्ल में, सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई दे रहा हूँ, CGI को मैं बहुत दिल से बधाई देता हूँ,